हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज के रीडिंग में देखेंगे ये जो स्पेशल एनर्जी 4-4 पोर्टल आज ओपन हुआ है, तो इस 4-4 पोर्टल में क्या चेंजेस आने वाली है आपके लाइफ में। हमेशा प्यार मोहब्बत ये सब से तो ज़िंदगी नहीं चलती। लव इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, बट लव के अलावा भी बहुत कुछ है। हेल्थ है, कैरियर है, दूसरे रिलेशंस है, बहुत कुछ होती है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 4-4 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, इसकी कुछ पार्ट या 100-100% आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। पॉजिटिव रहिएगा। और एक चीज़ और है कि ये जो पोर्टल आता है ना, हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आती है। अभी जैसा एक एनर्जी, एक भारीपन सा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, तो उस जगह से आपकी लाइफ में क्या कुछ शिफ्ट आ रही है, क्या कुछ गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स आपको, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये ऑल साइन के लिए है, तो हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे दो डेक यूज़ करूँगी, एक टैरो डेक से भी आपकी एनर्जी चेक करूँगी एंड एनर्जी ओरेकल से भी देखूँगी कि क्या कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। तो टॉपिक डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। खुद पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिए। आफ्टर दिस 4-4 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, उनके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाला है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। खुद को थोड़ा काम कीजिए, एनर्जी के साथ खुद को मर्ज करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों में से किसी की ज़रूर थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि रीडिंग करते ही मेरी थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज आ रही है। इसी की थ्रोट चक्रा, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, डेफिनेटली ब्लॉक्ड है बहुत ज्यादा। एंड द लास्ट शफल मैं ले लेती हूं 8 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। एक ईगो का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ईगो क्लैश किसी के साथ भी। तो चलिए क्या आया है, टावर। ओ गॉड, चलिए टावर, 2 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स, चैरियट, 3 ऑफ कप्स, हैरोफेंट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, सारी राशियाँ मौजूद है यहाँ पे। एक चीज़ और मैं बोल दूंगी, ये जो पोर्टल की एनर्जी है ना, 4-4 के आसपास एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बट इसकी एनर्जी 5-5 पोर्टल तक रहेगी। तो ये रीडिंग उसके बीच अगर आपको पहुंचती है, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को, रीडिंग से कुछ गाइडेंस जरूर पा सकते हैं। अभी जो मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में किसी जगह पे एक टावर मोमेंट आया हुआ है। हो सकता है वो लव में, हो सकता है कैरियर में। हेल्थ का मुझे वाइब नहीं आ रहा है, कैरियर में हो सकता है और लव में हो सकता है कि टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकता है लव में अगर मैं बोलूँ तो आपके साथ आपके पार्टनर की या तो ब्रेकअप हो चुकी है या बहुत दिनों से सेपरेशन में है, आप एक वेटिंग मोड पे हैं। अगर जॉब का बोलूं तो आप शायद जॉब में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हो नहीं रहा है, तो एक वेटिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इवन अभी भी ये एनर्जी कुछ दिनों तक रहेगी। आफ्टर इस पोर्टल के 8 डेज बाद से आपको कुछ एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा। ये जो वेटिंग वाला प्लेस है ना, इस जगह से आप थोड़ा अपने लाइफ पे कंट्रोल पाएंगे। इस आपको अचानक से शायद फील हो कि बहुत वेट कर लिया किसी के वेटिंग में, क्या मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ,
या फिर अगर जॉब जॉब का बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसे भी देख रहे हैं कि बिजनेस हो, तो बिजनेस में ग्रोथ का ही देख लीजिएगा आप लोग। तो वहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आफ्टर 8 days आपको एक सडन चीज़ याद होगा कि कितना दिन वेट करूँ। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, जब जो मिलना है वो तो मिलना मिलते ही रहेगा। इस टाइप की एक एनर्जी शिफ्ट मुझे दिखाई दे रही है। कलेक्टिव में अगर मैं बोलूं तो बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज़ फील होता है और देखने को भी आ रहा है रीडिंग में, कि आप लोगों को ना इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। अचानक से लो फील करना, अचानक से आप खुद को हील भी कर रहे हैं और अचानक से कभी कभी बहुत लो फील कर रहे हैं, कोई कोई रास्ता नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, फिर भी आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके लाइफ में वो खुशी आप महसूस नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या होगी ना, आफ्टर 8 days चीज़ें थोड़ी सुधरने लगेगी, सुधरने लगेगी, थोड़ा स्लो मूविंग होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट आपको कुछ मिल जाएगा, बट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेगी, एंड दैट इज़ फॉर योर पॉजिटिव साइड। आपके आगे चल करके इसकी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चैरियट कार्ड आया है। आप लोगों में से ना, मेरे व्यूअर्स में बहुतों को मैं देख रही हूँ कि वो शिव भक्त भी है, शिव भक्त हैं, और हो सकता है अगर आप लोग लव से रिलेटेड है तो आपके पर्सन भी शिव भक्त हो सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले 3 weeks में, ठीक है, आने वाले 3 weeks में किसी तरह का सेलिब्रेशन का आप पार्ट बनने वाले हैं। हो सकता है किसी गैदरिंग में आप ज्वाइन करें या कहीं पे आप घूमने जाएं, दोस्तों के साथ एक टाइम बिताएं, बहुत एक सेलिब्रेशन वाला आप कंडीशन में रहेंगे। हैरोफेंट, अगर आपके लव पार्टनर के साथ आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी तो वहाँ पे फिक्स होने के चांसेस है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस है। एंड अगर आपको लाइफ में ऐसा हो रहा था कि आप लोगों का कोई पार्टनर नहीं है, शादी की एज हो गई है, तो वहाँ से शादी की बातचीत शुरू हो सकती है या फाइनल होने के भी चांसेस मुझे दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, इस पोर्टल में आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि बैक स्टेबिंग हो सकता है, कोई आपके बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन से आपको बैक स्टेप मिल सकता है। आपको ये चीज़ ऐसे टाइम में होगा ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ मुझे जो दिख रही है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी होने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करना पड़े, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ लाइक बैक पेन, लोअर बैक पेन, इस टाइप की मुझे इश्यूज़ देखने को मिल सकता है एक्चुअली। और अगर मैं बोलूँ, ये एक सजेस्टिव कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि किसी पर भी, आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपका कलीग हो, किसी पर भी बहुत आँख बंद करके यकीन मत कीजिएगा। एटलीस्ट इस मंथ के लिए मैं बोल रही हूँ, आँख बंद करके किसी पे भी यकीन मत कीजिए आप। हाँ, आपके रिलेटिव में भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो ईगो है, ईगो साइड बहुत बढ़ने वाली है। हो सकता है किसी को थोड़ा सा कुछ बोल करके, हर्श वर्ड बोल करके ही आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि हाँ, मैंने उसको तो अपने बातों से ही चित कर दिया, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ईगो भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। किसी को छोटा करके खुश होना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है, बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके नेचर में ये चीज़ आने वाली है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर ओवरऑल मैं बोलूँ, ठीक ठाक गुजरेगा, बहुत अच्छी, बहुत ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट हाँ, अभी एक सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वहाँ से खुद को थोड़ा बैलेंस कर पाइएगा। बट एंड ऑफ द मंथ या फिर 5/5 पोर्टल के एकदम कुछ दिन पहले ही हो सकता है कुछ बैक स्टैबिंग हो, तो थोड़ा सा आपको फुल मंथ अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
कि एनर्जी ओरेकल डेक से क्या रीडिंग आती है आपकी, फोर्थ फोर्थ पोर्टल की क्या एनर्जी है। डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की फोर फोर पोर्टल के बाद क्या एनर्जी होगी, क्या लाइफ में चेंजेस आएंगे। मुझे ये कार्ड मैं लूँगी क्योंकि इसमें सन कार्ड आया है एंड ये खुद से पॉप आउट हुआ है, ठीक है। सन कार्ड आया है और मैं ले लूँगी सेवन कार्ड्स। सिंगल कार्ड ही चाहिए इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिया। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहेगी आफ्टर दिस फोर फोर पोर्टल। बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस आएगा। मैंने बोला था ना कुछ अभी प्रॉब्लम दिख रही है बट चीज़ों को आप बैलेंस आउट कीजिएगा। इन डिसीशन यहाँ पर भी आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग, एक किसी तरह का डिसीशन ना लेना। अच्छा एक बात और मैं बोलूँगी, अभी मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है तो 4 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में कोई लाइफ की मेजर डिसीशन हो वो चीज़ मत लीजिएगा। आप हो सकता है कि आपको इस डिसीशन पे आगे चल करके रिग्रेट करना पड़े, तो कोई भी डिसीशन लेने से बचिएगा आज से 4 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। 24 अप्रैल से आप डिसीशन ले सकते हैं क्योंकि अभी इस टाइम में ना आपका मेंटल बैलेंस उतना ज़्यादा बना नहीं रहेगा, हो सकता है कुछ गलती आप कर दें। तो इनडिसीशन का भी कार्ड है, थोड़ा सा चीज़ों को सेटल डाउन होने दीजिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल कीजिएगा। किसी के साथ भी अगर बातचीत कर रहे हैं तो वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा, मीन्स आप अपनी कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से एक अपने बातें रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने। ये चीज़ बहुत कम्युनिकेशन, एक्चुअली कम्युनिकेशन पे अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, अचानक से बातचीत होती है, वहाँ भी देखना है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं वहाँ भी देखनी है। इवन आपके आसपास आप जिसके साथ भी इंटरेक्शन करें उनके साथ अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल भी ख़राब मत होने दीजिएगा, ठीक है। इन एंड यंग, देखिए बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की कार्ड आ रही है। अभी जिस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रहा है ना, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ के ना खुद के बैलेंस के लिए खुद स्टेप लीजिएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है कि नहीं अब मुझे लाइफ में बैलेंस होना है। ये जब आप फील कर लीजिएगा ना, यूनिवर्स भी अपनी डोर ओपन कर देते हैं कि आपको किस तरह से बैलेंस किया जाए। हो सकता है यूट्यूब में ही आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाए जिसको देख करके ही आप खुद ही खुद को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर आने की ही देर होती है कि नहीं अब मुझे बहुत हो गया, अब मुझे खुद को इस सिचुएशन से निकालना भी है और खुद को बैलेंस भी करना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये आफ्टर 4 डेज से आप खुद को थोड़ा बैलेंस करने की, 8 डेज के बाद से आप थोड़ा खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एंड आप इसमें कामयाब भी होइएगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली, द थिंकिंग मैन, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड एंग्जाइटी। देखिए दोनों डेक से किस तरह से एनर्जी मैच करती है। अच्छा स्ट्रेंथ तो रहेगा तभी आप बैलेंस कीजिएगा खुद को। हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सोशल गैदरिंग, अपनी फैमिली के साथ कहीं गैदरिंग में जाना, कहीं पे घूमने जाना, एक इंजॉयमेंट के माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग आप चलाएंगे जरूर, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाएंगे इस पोर्टल के बाद से
एंड आपकी जो फिनेंशियल चीज़ें रुकी हुई थी ना, वहाँ पे एक बैलेंस आएगा, कुछ हद तक चीज़ें सुधार होगी। बट हाँ, एंजाइटी की फीलिंग आपको इस पूरे पोर्टल के बाद भी रहेगी। आप जितना भी बैलेंस करें तो वो चीज़ आपके पास एंजाइटी थोड़ी आपकी रहेगी, बट हाँ, चीज़ों को बैलेंस करने से ना वो कंट्रोल में रहेगा। ऐसा नहीं कि एंजाइटी में आकर के आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाए, इस टाइप की स्टेज नहीं आएगी। बट हाँ, खुद को बैलेंस कीजिएगा, बट समहाउ कभी कभी आप एंजाइटी भी फील कीजिएगा, एंड एंजाइटी से कैसे निकलना है वो भी आप रास्ता ढूंढ लीजिएगा। तो इस मंथ में जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, इस मंथ में आप थोड़ा सा खुद के बैलेंस पे ध्यान दीजिए, गाइडेंस के तौर पे बोल रही हूँ, खुद के बैलेंस पे ध्यान दीजिए। अपने कैरियर में ना ग्रोथ लाने की कोशिश कीजिए। लव का मैटर है वो अलग बात है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को छोड़ करके जिस चीज़ पे आप अगर अपना फुल कंसंट्रेशन लगाए और वहाँ से आपको इन फ्यूचर बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उस चीज़ में फोकस हो जाइए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है टाइम टू टाइम ही आपको वो चीज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हुए दिखेगी जो आपके हाथ में नहीं है। तो उस चीज़ को डिवाइन पे ट्रस्ट करके, पूरी तरह से यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके छोड़ दीजिए एंड लेट गो कीजिए, और अपनी फुल जो कॉन्शसनेस है खुद की इम्प्रूवमेंट में लगाइए। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। 4-4 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है इस 4-4 पोर्टल के बाद। तो होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस तो जरूर मिली होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।